एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अमन सिंह, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमने पढ़ लिए थे, एक्सरसाइज 2.1 भी पढ़ ली थी। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई टैब में मिल जाएगा। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2.2 के, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें प्रूव क्या करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब के इक्वल करना है। हमने जब बेसिक फॉर्मूले पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाया था, जैसे यहाँ साइन है ना, तो ये देखो ये 3 और 4 साइन के किस फॉर्मूले में 3 और 4 आता है, वो होता है साइन 3 थीटा का। किस टाइप का होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्स का क्यूब, और ये क्या है, साइन थीटा का क्यूब। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हम मान लेंगे या लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमने मानना है, तो बाद में इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स x, मैं आर एच एस से स्टार्ट करता हूँ, मान रखना साइन इनवर्स x की जगह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स फॉर्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और ये हो जाएगा 3 इंटू थीटा की जगह साइन इनवर्स x, और यही हमारा क्या है, एल एच एस। क्या क्या है, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, 3 और 4 का टाइप है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए कि जो साइन है उसके अंदर 3 और 4 का जो फॉर्मूला है उस पर जाएंगे। यहाँ एक्स को क्या मानना पड़ेगा, ये सिर्फ फॉर्मूले से पता चलेगा। ऐसे ही करते हैं कोस का, कोस में क्या लिखेंगे, देखो ये सॉरी ये क्वेश्चन है 4x क्यूब माइनस 3x है ना, एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे कोस थीटा, ये लेट किया है ना मैंने, क्वेश्चन है ये सेकेंड, अपन चल रहे हैं आर एच एस में, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस 3 थीटा का होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसका होता है, कोस 3 थीटा का, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3 थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स, यही हमारा क्या है, एल एच एस। इस प्रकार इनको क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। हो सकता है यही टर्म जो साइन के ये कोस में आ जाए, फिर क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन साइन इनवर्स, और अंदर आ गए इसके अंदर 4x की क्यूब माइनस 3x, तो अब ये नहीं है कि x को साइन मानेंगे, ये जो अंदर जो फॉर्मूला बन रहा है उस हिसाब से लिखेंगे। ये फॉर्मूला किसका बनता है, कोस 3 थीटा का, अगर यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, कोस है ना, तो मेरे को क्या करना है, x इक्वल्स टू कोस थीटा लिखना है। यहाँ से थीटा किस में निकल के आएगा, कोस इनवर्स एक्स में निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कोस 3 थीटा। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ क्या है, कोस, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इसको साइन, तो कोस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 3 थीटा। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस, थीटा के लिए लिखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ 3 थीटा है तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कोस की जगह आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा पाई बाई 2 माइनस 3, और थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, कोस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कब सोल्व होंगे, जब आपको क्या होगा, फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।